तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टीवी का पॉपुलर शो, एक ऐसा शो जो कि सभी लोगों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस शो और इसके कलाकारों ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। पिछले कुछ समय से सीरियल के दो कलाकार गुरचरण सिंह और नेहा मेहता के शो छोड़ने की खबरों में लगातार चर्चा हो रही है। हाल ही में कन्फर्म हुआ कि एक्टर बलविंदर सिंह सूरी गुरचरण सिंह की जगह लेने वाले हैं। वहीं अब मेकर्स को एक्ट्रेस नेहा मेहता का भी रिप्लेसमेंट मिल गया है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस सुनैना फौजदार सोने नेहा मेहता को रिप्लेस करेंगी। एक्ट्रेस के करीबी सूत्रों ने बताया कि नेहा मेहता शो छोड़ चुकी हैं, हालांकि इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब नेहा मेहता की जगह सुनैना फौजदार लेंगी। वह शो में शैलेश लोढ़ा की पत्नी अंजलि की भूमिका में दिखेंगी। बताया जा रहा है कि सुनैना 23 अगस्त से शो की शूटिंग करने वाली हैं। सुनैना संतान, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लागी तुझसे लगन, कबूल है, एक हिस्सा साझेदारी का, वेरन वाली बहू जैसे सफल टीवी शो का हिस्सा रह चुकी हैं। दूसरी तरफ बलविंदर सिंह सूरी ने भी शो की शूटिंग शुरू कर दी है। बलविंदर सिंह शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल तो पागल है में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। इस फिल्म में बलविंदर सिंह ने उनके दोस्त का रोल अदा किया था। इसके अलावा उन्हें धमाल, साजन चले ससुराल और वो लोफर जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब गुरचरण सोढ़ी ने शो को अलविदा कहा है। इससे पहले वह 2008 से 2013 तक शो में थे, बाद में उन्होंने शो से विदाई ले ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही सोढ़ी ने वापसी कर ली थी। लेकिन इस बार सोढ़ी गए हैं तो अब कब तक उनकी वापसी होगी तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पॉपुलरिटी लगातार बनी रहे, इसलिए इन सभी एक्टर्स को वापसी कराई गई है कि शायद इनके आने से अब शो और आगे तक जाएगा। बने रहें हमारे साथ।